कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, माल ढुलाई के लिए अब अलग ट्रैक। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर न्यू भावपुर का उद्घाटन। न्यू खुर्जुआ डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। स्टेशनों के बीच मालवाहक रेलगाड़ियों का शुभारंभ होगा। प्रयागराज स्थित परिचालक नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन। बड़ी खबर कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां पर स्टेशनों के बीच मालवाहक रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से देंगे 300 गाथें। माल ढुलाई के लिए अब अलग ट्रैक। स्टेशनों के बीच मालवाहक रेलगाड़ियों का शुभारंभ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, वर्चुअली माध्यम से आज पीएम नरेंद्र मोदी 3 बड़ी सौगातें देने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो है आज देश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही कानपुर देहात में जो न्यू भावपुर जंक्शन बनाया गया फ्रंट कॉरिडोर का, उसका भी उद्घाटन करेंगे वर्चुअल के माध्यम से। और जो की तैयारियां वहां पर जोरों शोरों पे काफी लंबे समय चल रही थी, तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। और इसको लेकर के मालवाहक जो गाड़ियां हैं उसका यहां से शुभारंभ करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और क्या नाम रेल मंत्री वर्चुअल के माध्यम से मौजूद रहेंगे। और यहां की अगर बात की जाए तो जो मंच बनाएगा यहां पर बीजेपी सांसद कानपुर सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, राज्य मंत्री अजीत पाल, विधायक सारे जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेंगे। और दिन में 11 बजे वर्चुअल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री उसका शुभारंभ करेंगे। जी जी मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी 3 बड़ी सौगातें देने वाले हैं। वर्चुअली माध्यम से ये सौगातें देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। स्टेशनों के बीच मालवाहक रेलगाड़ियों का शुभारंभ। लखनऊ से बड़ी खबर बता